हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सीटेट एग्ज़ाम के लिए हम आपके सामने प्रश्न लेकर आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस प्रश्न में चार ऑप्शन दिया रहेगा आपको। उस चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको, जिस प्रश्न का आंसर आपको पता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि सामाजिक सामाजिक आर्थिक सोशल इकोनॉमिकली रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को क्लास के माहौल की आवश्यकता होती है। तो यह प्रश्न में से चार ऑप्शन दिया है, इस चार ऑप्शन में से सही चुनना है। सीटेट में इस तरह के प्रश्न आपको हर हाल में देखने को मिलेगा। तो यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए, सामाजिक सामाजिक क्या है? तो समाज में क्या होता है? नियम होता है, कानून होता है समाज के दायरे में। लेकिन समाज का एक नियम है। और आर्थिक, तो सामाजिक और आर्थिक सोशली इकोनॉमिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की क्लास के माहौल की आवश्यकता होती है। तो जो सामाजिक रूप से मतलब कुछ समाज में लोग नीचे 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 तबके के लोग हैं, और उसमें आर्थिक भी है, आर्थिक मतलब पैसा से इकोनॉमिकली है। तो उस तरह के जब बच्चा क्लास में जाता है तो उसके लिए किस तरह का माहौल होना चाहिए, इसके यह प्रश्न बोल रहा है। तो चार ऑप्शन में से देखिए आप, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही लगता है। तो क्या लगता है? चाइल्ड को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना। कह रहा है कि चाइल्ड जो बच्चा है उसको क्षमताओं मतलब कोई क्षमतावान बच्चा है, मतलब कि कोई योग्यता में क्षमता मतलब उसमें कैपेबिलिटी है, उसके आधार पर बांटना सही है। नहीं, ये तो नहीं होगा। ऐसे में जो कम क्षमता वाला बच्चा है उसमें क्या होगा, एक तरह से दुर्भावना पैदा हो जाएगा। तो यह तो नहीं हो सकता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ये भी तर्क नहीं बन रहा। अगला क्या प्रश्न? उनमें उनके सांस्कृतिक कल्चर और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है। उनके सांस्कृतिक कल्चर और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनको उपयोग करता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। उनकी भाषा का उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा मेन स्ट्रीम की भाषा सीख सकें। नहीं, ये भी सही नहीं है। तो ये सी ही इसका सही आंसर है, यानी वन का जो आंसर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। वन का कौन सा होगा? सी। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि उनके सांस्कृतिक कल्चर और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तो ये इसका सही आंसर। अगला जो हमारा प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मक कहने का अर्थ क्या है? कि जिसमें सृजन करने की क्षमता, जो कुछ नया क्रिएटिव करने की क्षमता, और प्रतिभाशाली ब्रिलियंट इंटेलिजेंट बोलते हैं बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो क्या निर्भर करता है? तो ए में क्या है? उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। नहीं, ये भी नहीं है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कि सृजनात्मक क्रिएटिव और प्रतिभाशाली ब्रिलियंट बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो क्या करता है? टीचर द्वारा जो शिक्षक हैं उनके द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर। कि ये जो टीचर हैं वर्ग में क्या रहते हैं, शिक्षक रहते हैं, तो उनके द्वारा जो अनुकूल रूप से निर्देश दिया जाए। अगला प्रश्न है, शिक्षण अभियोगता क्या है? शिक्षण अभियोगता का अर्थ है, तो योग्यता मतलब तो समझ गए, अभियोगता होगा तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ होता है शिक्षण, इस चार ऑप्शन में से बताना है। तो इसका सही आंसर होगा, शिक्षण का कार्य करने हेतु अपेक्षित अभियोगताएँ। यानी शिक्षा का कार्य करने हेतु जो शिक्षक हैं, कोई भी शिक्षक है, उनको कार्य करने के लिए जो योग्यता है
योग्यता उनके उनमें ये योग्यता होना चाहिए। जैसे कोई शिक्षक बनना तो उस एक योग्यता है ना कि वो इस व्यक्ति कहीं शिक्षक बन सकता है, तो वही ये शिक्षण अभियोक्ता का अर्थ है। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर, एक शिक्षक को ज्ञान का अलावा अपने विद्यार्थी को और क्या सिखाना चाहिए? तो इसका इस प्रश्न का चार ऑप्शन में से बताना है। तो एक शिक्षक हुए, उनको उसको बच्चा को ज्ञान तो दे ही रहे हैं, उसके अलावा भी उनको क्या सिखाना है? ज्ञान तो पाठ पुस्तक से दे ही रहे हैं, इसके अलावा आजकल क्या बताया गया है कि आसपास के माहौल, आसपास की घटनाओं से जोड़कर बच्चों को सिखाया जाए, ऐसा NCF और BCF भी बताता है। तो इसमें क्या है कि ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहिए? तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, ये तो सही है, ये भी करना चाहिए कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए, लक्ष्य मतलब कि मंजिल, सक्सेस पाने के लिए उसमें परिश्रम करना चाहिए, ये सारे उसको मोटिवेट करना चाहिए। और विपरीत परिस्थितियों में भी सही है, मॉडरेशन एवं संतुलन न खोना, ये भी बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि यदि कोई कठिन परिस्थितियाँ आ जाए तो आप उस समय संयम बना कर रखें, तो ये भी सिखाया जाता है, यानी ये भी ऑप्शन सही है। अगला क्या है, समय का सदुपयोग। तो समय का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि समय का सदुपयोग बच्चों को हर हाल में सिखाया जाए ताकि वे समय पर कार्य कर सके, यानी चारों ऑप्शन इसका सही आंसर है, यानी डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जो हमारा पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। शिक्षा तभी सार्थक होगा, क्या होता है शिक्षा तभी, शिक्षा कोई भी एजुकेशन सार्थक कब होगा? जब आपका चार ऑप्शन में से बताना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो शिक्षा तभी सार्थक होगा, देखिए पाठ्यक्रम केंद्रित हो, ये तो नहीं हो सकता छात्र केंद्रित हो। शिक्षक तभी सार्थक होगा, जैसे कोई चीज़ शिक्षा दे रहे हैं तो बच्चों के अनुरूप हो, यदि बच्चा के अनुरूप है तो शिक्षा हर हाल में सार्थक होगा, रोजगार तो नहीं होगा, क्योंकि जब बच्चा बच्चा जब बच्चा के जो मन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, उसके रुचि, उसके रचनात्मक कला के अनुसार जो शिक्षा दिया जाता है, तो वो अपने आप स्वयं रोजगार प्राप्त कर सकता है। इसलिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को शिक्षा जो दिया जाए छात्र केंद्रित। तो छात्र केंद्रित करने का तात्पर्य है कि वैसे शिक्षा जो बच्चों के रुचि के अनुसार, मतलब बच्चा क्या चाह रहा है, बच्चा भी मान लीजिए छोटा बच्चा है तो उसको बड़ा खेलना चाह रहा है तो खेल का माहौल दिया जाए, खेल में ऐसा उसको माहौल देकर सिखाया जाए, इसलिए छात्र केंद्रित शिक्षा को बताया गया। अगला जो हमारा प्रश्न है छठा, छठा नंबर प्रश्न क्या है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य, एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? तो आप बताइए कि एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, तो छठा का आंसर बताना। तो इस चारों ऑप्शन को पढ़ने पर क्या पता चलता है कि जो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा ग्रहण के बाद नौकरी करना ये तो उद्देश्य नहीं है, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास ये भी नहीं, लेकिन ये सही ऑप्शन है, बालकों के सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास करने से तात्पर्य है सभी विकास, या तो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, जितने भी विकास हो सर्वांगीण विकास में आ जाता है, इसलिए बालकों को शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चा सर्वांगीण विकास, इसलिए सरकार भी क्या करती है 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या करते हैं निःशुल्क शिक्षा देती है, ताकि उसका विकास सही हो जाए, फिर बाद में उसे अपने आप काम करना, कोई भी काम करना शुरू करे, या अपना जब सोच बढ़ जाए तो अपना स्वयं काम करता है, तो इसलिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही चार यही है कि सर्वांगीण विकास हो बालक का। अगला जो प्रश्न है हमारा, पाठ्यक्रम निर्माण, कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो कैरिकुलम में किस बात को, जो कैरिकुलम क्या होता है कि आपको क्या पढ़ना है, कैरिकुलम हुआ एक एक साल का कैरिकुलम बना दिया जाता है कि ये हिंदी विषय में इतना आपको पढ़ना, पर जिसको पाठ्यक्रम बोलते हैं हिंदी में, तो उसका उसको किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो शिक्षा के उद्देश्य को,
सही है। छात्रों की आवश्यकताओं, रुचि व्यक्ताओं को, शिक्षा अनुसंधान को, यही है बी, यानी ए और बी इसका सही आंसर है कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, अभी ऊपर देखें कि बालकों के सर्वांगीण विकास हो, तो कैरिकुलम में वैसा ही रखा जाए जैसे कि बालक में सर्वांगीण विकास हो। बालक क्या करें, बालक के सभी विकास, सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाए कि बच्चा बचपन से लेकर बड़े होने तक उसके विकास की अवस्था कैसे कैसे होती है, मतलब उसके बारे में पूरा गहन अध्ययन, उसके बारे में गहन बात चर्चा किया जाए। और क्या करना, उसकी रुचियों को भी, कि बच्चा का क्या रुचियां हैं, आवश्यकताओं को भी बारे में कैरिकुलम में बहुत ज़रूरी है कि ध्यान में रखा जाए। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा आंसर। अगला प्रश्न हमारा, भाषा सीखने सिखाने में आप किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो भाषा, जानते हैं कि भाषा बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, माँ से सीखता है, और किस भाषा में सीखता है, तो मातृभाषा में, मतलब कि अपने जो जिस भाषा बच्चा जहाँ जन्म लेता है उसके अपने आसपास बोले जाने वाली भाषा को ही वह सबसे पहले सीखता है। तो भाषा सीखने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस चार ऑप्शन में से आठ का आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा कि जब आप जैसे बच्चा, कोई भी बच्चा रहता है तो वो समाज में रहता है, समाज में रहता है, तो समाज में रहते हैं तो अपने घर में तो सीखे रहा, अपने घर में आसपास में सीखते रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ता है, तो समाज में, यानी सामाजिक अंतःक्रिया। अंतःक्रिया करने का साथ है कि उसके साथ आपस में विचार विमर्श, सामंजस्य बैठाना, मतलब कि अपने भाव को प्रकट करना और उसके भाव को जानना, अंतःक्रिया करना होना, तो इससे बच्चा सबसे ज़्यादा भाषा सीखने का कार्य करता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, खाली स्थान भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है, तो किस भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है, तो भाषा के बारे में जानते होंगे इस चार ऑप्शन में से, कि संप्रेषण है भाषा का, संप्रेषण करने का मतलब है कि अपनी भावनाओं को सामने प्रकट करना, इससे भाषा क्या होता है, महत्वपूर्ण कार्य करता है, मतलब ये महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे भाषा क्या होता है, अपनी भावनाओं को, विचारों को प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप समझिए कि भाषा यदि नहीं होता तो अपने आपके आपको कुछ होता तो अपने विचार को कैसे सामने वाला को बताएं। एक बैल, एक जो बोल नहीं पाता उसको क्या करता है, एक मतलब कि क्या, एक अपना अपना क्या करता है, एक प्रतीक के द्वारा समझाने का प्रयास करता है, लेकिन कितना कठिन कार्य हो जाता है। इसलिए भाषा बहुत बड़ा जरूरी है अपने अपने संप्रेषण को व्यक्त करने के लिए। अगला प्रश्न हमारा 10वां नंबर प्रश्न, कि छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए। तो यह आपको जानना जरूरी है कि लिखित कार्य, जब बच्चा कोई टीचर शिक्षक को बच्चा को लिखित कर दिया, मतलब वर्ग में लिखित कर दिया, तो उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए। तो इस चार ऑप्शन दिया हुआ, तो इस चार ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिखित कार्य पूरा होने से तुरंत बाद, यानी उसमें ये भावना ना आए कि मैंने लिख कर लिख लिया, आप दिए लिखने के लिए लिख लिया और जांचे नहीं, तो उसके मन में यह भावना आए कि ये सर जांचते उचते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुरंत उसी समय जैसे लिखे लिखना कार्य पूरा हो गया, उसका कॉपी जांच लिया जाए। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन छात्र में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, कौन छात्र में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है, तो 11 का डी कौन सा आंसर होगा, 11 का, तो लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना खेल का मैदान में होता है। क्यों होता है, जैसे समझिए, क्योंकि खेल के मैदान में देखिए विभिन्न तरह के रहते हैं, विभिन्न तरह के बच्चे खेलों के मैदान में क्या होता है, विभिन्न तरह के विचार उसमें आते हैं, विभिन्न तरह के मतलब कि भाईचारा का बंधन होता है, इसमें इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना होती है। लोकतांत्रिक मूल क्या होता है, जिसमें कि सभी को बोलने की आज़ादी हो। लोकतंत्र में क्या होता है, हमारा डेमोक्रेसी क्या है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, मतलब कि सभी के लिए है, यहाँ पर मतलब कि सबको एक जैसा ट्रीट करे जाएगा, अपना ऊंचे मतलब कि कानून के नज़र में, बस ये।
तो इसीलिए खेल के मैदान में ऐसा बात बताया गया। अगला प्रश्न है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, तो अगले प्रश्न है प्रधानाचार्य से कि प्रधानाचार्य को क्या होना चाहिए। तो प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, सही बात है कि छात्र के लिए क्या कोई भी प्रधानाचार्य आइडियल होना चाहिए, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, यानी उसके जो टीचर हैं उनके अंडर जो टीचर हैं उनके प्रति क्या होता है समान भाव, ये भी सही है। कुशल प्रबंधक हो, जो मैनेजमेंट उनमें करने की कला क्या हो, कुशल हो, तो ये सारे होना चाहिए, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो देखिए, कोई भी शिक्षक अपने विद्यार्थियों का अध्ययन करने के लिए आंतरिक रूप से यानी इंटरनल रूप से कैसे प्रेरित कर सकती है। तो आपको चार ऑप्शन दिया जा रहा है, चार ऑप्शन में से बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, क्या करना, उसके व्यक्तित्व लक्ष्य, जैसे कोई भी व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व लक्ष्य होता है कि मैं ये कार्य करूँगा बड़ा में, ये अपना मतलब ये लक्ष्य है। जैसे कोई 1 क्लास में 2 क्लास में 5 क्लास में पढ़ा है तो उसको लक्ष्य रहता है कि मैं 1 लाऊँगा, फर्स्ट रैंक लाऊँगा, ये मतलब उसके व्यक्तित्व लक्ष्य निर्धारण करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, उसको उसमें निपुण बनाना है कि वो कैसे लाए, इस तरह माहौल बनाकर उसमें उसको में भावना प्रकट करके। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, तो शिक्षण की योजना पद्धति कैसा होना चाहिए। तो अभी ऊपर में देखें कि बच्चों को शिक्षण पद्धति होना चाहिए बाल केंद्रित, क्योंकि बाल केंद्रित में शिक्षा क्या होता है, पहले जो ट्रेडिशनल में क्या था, टीचर केंद्रित शिक्षा केंद्रित था, लेकिन बाल केंद्रित में होता है कि बच्चों के मनोभावों को देख कर ही पाठ पुस्तक वस्तु को पढ़ाया जाता है, यानी उसकी इच्छा के अनुसार उसकी रुचियों के अनुसार ही शिक्षण कार्य किया जाता है। इसलिए इस पर बड़ा बहुत बड़ा जोर दिया जा रहा है, चाहे NCF हो, चाहे BCF हो, चाहे कोई। अगला प्रश्न है, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है, तो शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का क्या स्रोत है, तो महिलाओं के लिए भी है, पिछड़ों के लिए, यानी शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत दोनों के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए भी अक्सर शिक्षा जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज ज़्यादा ही प्रलोभन दिया, मतलब उस पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, पिछड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि वह मुख्य धारा में जुड़ सकें, मुख्य हथे में जुड़ सकें, यानी ए और बी दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का मूल कार्य क्या है, तो शिक्षा का मूल कार्य क्या है, तो चार ऑप्शन में से क्या है, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, शिक्षा का काम यही है कि वो फैसिलिटेटर का काम करे, बस बच्चों को ऐसा माहौल दिया जाए ताकि जो अधिगम अधिगम कार हो, लर्निंग 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 हो, जो क्या हो एक सही दिशा में हो, तो इस तरह का माहौल दिया जाए, यानी अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना जाए। जानते हैं कि जब बच्चा छोटा एक माटी जब कुम्हार बनाता है तो उसको जैसा शेप देते हैं तो वैसा आकार जैसा आकार बनाते हैं उस तरह का ढल जाता है, तो इसीलिए शिक्षक वही कार्य करता है कि बस बच्चे को वातावरण देना है, बस पढ़ाना नहीं है ज़्यादा, बस उसको क्या करना है, वातावरण देना है, बच्चों को एक फैसिलिटेटर के पीछे, मतलब कि बैक बैक साइड रहेगा, मतलब उसको सपोर्टर रहना है कि फ्रंट साइड में कौन रहेगा, तो बच्चा रहेगा यानी छात्र रहेगा। अगला, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका आंसर क्या है, उद्देश्यहीन शिक्षा, क्या है उसका आंसर, उद्देश्यहीन शिक्षा, जिसका कोई उद्देश्य नहीं यानी पर्पस नहीं, जैसे हम यहाँ से कहूँ जा रहे हैं मतलब कोई उद्देश्य नहीं है तो बस जाते हैं, कोई भी व्यक्ति कहूँ जाता है सामान जैसे घर से निकला बाजार तो एक उद्देश्य से जाता होगा कि हमको सब्जी लेना है कुछ भी लेना है, उद्देश्यहीन यदि नहीं रहता तो बस बाजार जाएंगे, कोई कहूँ भी जा सकता। अगला, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है, तो किस प्रकार का, तो लोकतांत्रिक कक्षा, क्यों, क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक बच्चा प्रत्येक प्रत्येक की जन जैसे लोकतांत्रिक में जन भागीदारी होती है ना, लोकतांत्रिक में डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोकतांत्रिक प्रजातंत्र बोलते हैं, जिसमें क्या प्रजाओं का शासन होता है, मतलब प्रत्येक लोग का प्रतिनिधि प्रत्येक लोगों का शासन होता है, उसी तरह कक्षा में भी लोकतांत्रिक वातावरण में प्रत्येक बच्चे का विकास सही ढंग से होता है, मतलब उसको उत्तम माना जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सा विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है, तो कौन सा विधि,
ब्राह्मण विधि जानते हैं कि ब्राह्मण विधि में क्या होता है कि एक शिक्षण में कौन सी विधि वास्तविक अनुभव, वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने का दृष्टिकोण है। तो ब्राह्मण विधि में वास्तविक अनुभव जैसे भ्रमण किया जाता है, कि इसलिए भ्रमण किया जाता है सरकार की तरफ से बच्चों को क्या करा, भ्रमण किया जाता है ताकि वह जो पढ़ाई किया उसको क्या करे मूर्त रूप में देखे, मतलब उसमें क्या हुआ अनुभव प्राप्त हुआ कि सही में कि ऐसे ऐसे होता है। जैसे पढ़ लिया कोई पटना में गोलघर के बारे में पढ़ लिया किताब में, अब वहाँ पर जाकर जाएगा देखेगा तो उसके बारे में ज़्यादा ना उसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगा, उसको ज़्यादा उसके उसके दिमाग में गहन बात ज़्यादा देर तक बैठ जाएगा, उसको बारीकी तरीक़े से उसको समझ पाएगा, इसलिए ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किसी प्रारंभिक कक्षा में कोई भी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, इसलिए तो सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बन सके और सीखने के लिए सिखाना पसंद करें, कि इसलिए कोई भी अति टीचर प्रभावशाली से उसको उद्देश्य मतलब कि कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो कोई भी शिक्षक विद्यार्थियों को उत्प्रेरित किस लिए करता है, ताकि वह सीखने के लिए जिज्ञासु बने, क्योंकि बच्चा क्या होता है जब उसमें मोटिवेशन करना कोई ऐसा बार डालना ताकि वह प्रेरित हो जाए। उत्प्रेरित करने का उत्प्रेरक इसलिए डाला जाता है ताकि एक रिएक्शन में जानते हैं कैटलिस्ट डाला जाता है, किस लिए डाला जाता है ताकि रिएक्शन जो रिएक्शन हो रहा है क्या उसको फास्ट करने के लिए डाला जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या करें बच्चों में जिज्ञासु बनाना ताकि वह सीखने के लिए जैसे भूखे कोई भी भूखा शेर रहता है तो क्या करता है खाने के लिए क्या करता जदम झपड़ता है जोर से, इसी तरह बच्चों को किया जाता है। तो यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।